दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन आपको कराना अगर है तो आप कैसे कराएंगे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग प्रोसीजर से देख सकते हैं, खुदाई भी नहीं हुई है और हम काम स्टार्ट अप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको लेआउट कर लेना है, कोई एक डायमेंशन मिल जाएगा वहाँ से हमको धागा बांध के लेआउट कर लेना है, चूना गिरा देना है जिस विड्थ में आपकी बाउंड्री वाला आ रही है, ठीक है। और एक बुर्जी ज़रूर बना लेना है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो खुदाई के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको एक बुर्जी बनानी होगी, ठीक है। बुर्जी मतलब टेम्प्ररी एक ऐसा डिस्टेंस, हम लोग जिस डिस्टेंस से जैसे कॉलम का जो अपना बाउंड्री वाला होगा उसका आउटर फेस अगर इस पर मार्क कर सकते हैं या फिर सेंटर पॉइंट मार्क कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है जब ये बुर्जी बना लेंगे तो क्या मार्क किए हैं और कितने डिस्टेंस पे मार्क किए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब खुदाई हो जाएगा पीसीसी कर लेंगे तो उसके बाद कॉलम की मार्किंग के लिए, ठीक है, हमको एक पॉइंट चाहिए होगा और हमको लंबी डिस्टेंस का पॉइंट बार बार ना चाहिए, नज़दीक में हमें पॉइंट मिल जाए, इसलिए हमको बुर्जी बना लेना होता है। अगर बुर्जी नहीं बनाए तब भी काम होगा लेकिन कष्ट ज़्यादा होगा, लेकिन बुर्जी जब बन जाएगा तो क्रॉस चेक भी बीच बीच में होता रहेगा। जिसे देख सकते हैं इस धागे से क्रॉस चेक करना है आपको तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, जैसे कि देख सकते हैं 2 मीटर 700 पे हमने इस बुर्जी को बना लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी धागा हम बांधेंगे तो इस बुर्जी से चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। अब हमने क्या किया, लेआउट कर लिया, चूना गिरा दिया, इस विड्थ में हमारी फुटिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि 1350 की फुटिंग है तो 1350 में 100 mm एक्स्ट्रा में खुदाई कराने के लिए मार्किंग कर दिया है 1450 mm, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले चले, 1450 के बजाय 1550 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। खुदाई के समय आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके चलना होगा, ठीक है। तो हमारी मार्किंग हो गई, ठीक है, और ऑटो लेवल मशीन आपको रख लेनी है क्योंकि लेवल देख देख के ही आपको खुदाई करवानी है, ठीक है। लेवल मार्किंग आपको कर लेनी है, उसके बाद खुदाई करानी है ताकि आपका जो लेवल है डाउन ज़्यादा ना हो, क्योंकि डाउन अगर हो जाएगा तो उसमें मिट्टी फिल करके फिर काम करना सही नहीं रहता है, इसलिए लेवल आपका हल्का 50 mm अब ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम्पैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये लेवल देख के अपनी एक्सक्वेशन के काम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चारों तरफ से स्टार्ट हमने कर दिया बाउंड्री वॉल की एक्सक्वेशन और बार बार लेवल देखा जा रहा है, ठीक है। तो आपका एक्सक्वेशन काम जब पूरा हो जाएगा तो उसको कंपैक्ट करके ड्रेसिंग करके हमने पीसीसी करा दिया, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं कंपैक्ट करके पीसी करा दिया। दरअसल बात यह है कि यहाँ पे पानी आ जाता है, 2 मीटर से नीचे अगर मिट्टी कटिंग होती है तो इस वाले साइड पे पानी आ जाता है, तो वही पानी ऊपर में आ गया है। एक दिन पहले हमने पीसीसी कर ली थी। अब पीसीसी करने के बाद इस धागे को फिर से उसी पॉइंट पे बांधा जाएगा जिस पॉइंट के हिसाब से हमने लेआउट किया था। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये हमारा बाउंड्री वॉल का इनर फेस है। अब ये हमने जब रस्सी बांध लिया तो इस बुर्जी को जो हमने बनाया था वहाँ से क्रॉस चेक हम कर रहे थे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो कॉलम आ रहा है उसका हमने एक रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से मापी करके इस तरह से जो बोरी का ये धागा होता है उसे बांध दिया, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक भी कर लेते हैं सही है कि नहीं, ये 4 मीटर 500 पे था, ठीक है। तो इसको चेक कर लिया हमने। अब इसके बाद सेकेंड मार्किंग कर लिया, सेम उसी धागे को हम बांधते जाएंगे, जितने कॉलम हैं वहाँ पे ये धागा नापी करेंगे और बांध देंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरा भी बांध दिया गया। ये एकदम हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, कहीं भी आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं अगर स्किप करके देखेंगे तो भाई कई पॉइंट आपका छूट जाएगा, कैसे क्या करना है। अगर आप साइड पे काम नहीं भी कराए होंगे इस वीडियो को देख के आप साइड पे काम करा लेंगे, ठीक है। और जब हमने वो पॉइंट लगा दिया तो नीचे में पीसीसी के ऊपर हम मसाला हल्का लगा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद साहुल गिरा गिरा उसी पॉइंट से जो पॉइंट लिया था हम मार्किंग कर लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मसाला गिरा के हल्का सा पतला मसाला एकदम लगाना है कि ताकि जब साहुल गिराए तो उस पर मार्क हो जाए, क्योंकि पीसीसी जो हुआ है एक दिन पहले का उस पर मार्किंग तो होगा नहीं क्योंकि वो पक गया होगा। तो हल्का सा मसाला गिरा के जब ये जो हमने पॉइंट लगाया था डिस्टेंस मापी कर करके वहाँ से इस तरह से हम साहुल गिरा के पॉइंट ले लेंगे। और ये जो पॉइंट आ रहा है बाउंड्री वॉल का इनर फेस आ रहा है, ना कि सेंटर। ये हमारा सेंटर नहीं है, ये इनर फेस है, ठीक है। तो इनर फेस की ही मार्किंग हम कर लेंगे और इसी से सारा काम करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने कॉलम की मार्किंग कर ली चारों तरफ से, जितना भी पॉइंट हमने लगाया था कॉलम के डिस्टेंस ले लेके वहाँ वहाँ सेम यही काम हम करेंगे, साउल गिराएंगे और अपनी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जाल बन के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जाल रख लिए। नीचे में कवर ब्लॉक लगाना होता है, लेकिन अभी हमने टुकड़े ईंट लगा दिया है, कवर ब्लॉक अभी लग जाएगा। अब इस पर कमिट नहीं करने लगिएगा कि कवर ब्लॉक की जगह पे टुकड़ा लगा है, बस ये एक बेस बनाने के लिए हमने लगा दिया, बाद में इसको निकाल के टुकड़ा लगा दें, कवर ब्लॉक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि कवर ब्लॉक अभी मौजूद नहीं है साइड पर। तो अब देख सकते हैं ये जाल को इस तरह से लेबरों से पकड़ के रख दिया गया, और बढ़िया से सरिया जो वर्टिकल है उसको भी साउल करना है चारों तरफ से, ताकि आपका कॉलम जो है एकदम बढ़िया स्ट्रेट में, स्टील जब स्ट्रेट में रहेगी तो आपका कॉलम आउट नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोनों तीनों साइड से साउल को देख के और इसके नीचे के लेग को बांध दिया गया, ठीक है, और चारों तरफ रस्सी जो है रस्सी से इसको स्टील नीचे में गाड़ के उसमें बांध दिया जाएगा, ताकि आपका जो ये कॉलम है इधर उधर ना जाए, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं इसको बढ़िया से स्टेबल बनाने के लिए चारों तरफ से रस्सी खींची जा रही है, उसको बांध दी गई, और उसके बाद ये साहुल से देख लिया गया कि सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है तो इसको सही करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो धागा बना था, हमने बताया था इनर फेस था, तो वहाँ से कवर माइनस करके कॉलम को खड़ा कर दिया गया, और जो वो देख सकते हैं बोरी का धागा बंधा है वो भी इस साइड का आउटर फेस था, तो उससे अंदर 40 mm कवर करके लगा दिया गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं वो ईंट हटा के कवर ब्लॉक लग गया, ठीक है, इसी तरह से सारा कवर ब्लॉक लगा दिया जाएगा, ईंट नहीं रहेगा, और लेग को बढ़िया से बांधना है। लेग को बढ़िया से बांधने से ये होगा कि आपका जो कॉलम की स्टील है बढ़िया से रेक्ट होगी। अब देख सकते हैं कॉलम की सरिया पूरी बंध गई, ठीक है, जाल भी बंध गया। उसके बाद इसकी सटरिंग लगा देनी है, ठीक है, चारों तरफ से साइडा लगा देना है, क्योंकि ये स्टेप फुटिंग है, स्लो फुटिंग है नहीं, तो चारों तरफ से 250 mm की हमारी ये फुटिंग है, तो 250 का साइडा लगा देना है, और 1200x1200 का फुटिंग है, ठीक है, और इसमें कंक्रीट फिल कर देना है, क्योंकि चूँकि पानी इसमें है, पानी कितना भी निकला जा रहा है तो पानी यहाँ जा रहा था, तो इसलिए हमको थोड़ा सूखा मसाला देना, उसके बाद थोड़ा गीला देना है। तो राफ्ट कास्टिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, कॉलम के लिए स्टार्टर का लेआउट करना है, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर आउट हुआ होगा, तो इस स्टार्टर में ये सही हो जाएगा। तो सभी कॉलम का हमें उसी तरह से साहुल लटका लटका के मार्किंग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दाग की नहीं लग रहा है, इसलिए इस पर मसाला मारेगा मिस्त्री, ताकि इस पर पॉइंट लगे। अब यहाँ से साहुल से गिराएंगे, ठीक है, एक जगह, और यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ये इस साइड का पॉइंट ले लिए, ठीक, और यहाँ से 350 मार्किंग करेंगे तो आगे का पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी ये बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, चेक करने के लिए आउट है कि नहीं। अब इसको हम लोग धागा बांध लेंगे पूरे लंबे में, ठीक है, एक पॉइंट लेने के बाद, जैसे कि देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट हमने एक फेस बना दिया था, ठीक है, तो वहाँ से मिला दिया गया। अब इसके बाद ये धागा बांध लिया गया, जैसा कि देख सकते हैं। अब इस धागे के ऊपर इस तरह से हम एक लाइन एक तरफ की इस तरह से ली जा रही है, एक लंबा धागा बांधा गया है, ठीक है, दो कॉर्नर पे देख के पॉइंट, और इसके बाद से अब ये कॉलम का लेआउट हो रहा है, कॉलम स्टार्टर के लिए। अब ये लेआउट करने के बाद कॉलम की कास्टिंग हो जाएगी। हम देख सकते हैं कैसे मार्किंग हो रही है। ये मार्किंग करना काफ़ी आसान होता है, बस इसको लोग टिपिकल बना देते हैं, थोड़ा दिमाग से काम करेंगे तो बढ़िया से मार्किंग होगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं स्टार्टर की भी तैयारी हो रही है, ये बत्ता जो है 2 इंची का लगा के इसको कास्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कॉलम स्टार्टर भी कास्टिंग हो गई, और उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं ब्रिक वर्क जो हो है, नीचे वाला जो हमारा है फुट स्टेप 150 mm डेप्थ का 460 mm विर्थ में है, ठीक है, और उसके बाद से जो वॉल होगी 345 mm की हो जाएगी। अब अगले दिन क्या करें, हम कॉलम की सटरिंग कर देंगे, ठीक है, उसी स्टार्टर के सहारे कॉलम की सटरिंग लगा देंगे, और उसके बाद कॉलम को कास्टिंग स्टार्ट कर देंगे कॉलम की, ठीक है, लेवल ट्रांसफ़र कर लेंगे, टाई बीम का क्या लेवल है उस टाई बीम के बॉटम लेवल तक कॉलम को हम कास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से सटरिंग सिकंजे के सहारे लग रही है, और कॉलम की कास्टिंग भी चल रही है। मसाला देख सकते हैं ये मिस्त्री कितना बढ़िया से बना रहा है, स्लम्प कुछ ज़्यादा है इसमें, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कॉलम
एकदम चिकना आएगा, गंजा नहीं आएगा। अगले दिन शटरिंग खुलेगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मसाला जो है M25 ग्रेड कंक्रीट का है, ठीक है। और कोई भी इसमें सीमेंट की कमी नहीं करनी है आपको। M25 ग्रेड में जो भी लगना है वो आपको लगाना है, बशर्ते थोड़ा सा बालू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गिट्टी गिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो गंजा आने का चांस रहेगा। हल्का फुल्का बालू क्वांटिटी में जो भी हो उससे बढ़ा लेंगे तो आपका कंक्रीट जो है बढ़िया स्मूथ आएगा, ठीक है। अगर खुद मैनुअली बना रहे हैं तो, अगर RMC का माल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो माल हम थोड़ा मैनुअली बनाए हैं क्योंकि मशीन ख़राब है मेरा, मिक्सचर मशीन, ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़िया बनाए हैं, ठीक है। देख सकते हैं कास्टिंग हो रही है, एक दो कालम की हो चुकी है, बाकी जो कालम है उसकी भी एकदम फास्ट तरीके से कास्टिंग हम करा रहे हैं, ठीक है। अब ये कास्टिंग होने के बाद अगले दिन डिसटरिंग स्टार्ट हमने कर दी है, जैसा कि देख सकते हैं कालम कैसे आया। चलिए नज़दीक चल के दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं कितना स्मूथ कंक्रीट आया है, ठीक है। तो इसी तरह से स्मूथ आएगा, जब कंक्रीट आप जैसा हमने बनाया था वैसा बनाइएगा तो एकदम चिकना आएगा। थोड़ी सी स्ट्रेंथ उतनी बढ़िया नहीं आएगी जितना बढ़िया टाइट कंक्रीट में होती है, लेकिन अगर चिकनापन देखना है तो उसी तरह से कंक्रीट डालेंगे तो होगा। और देख सकते हैं डिसटिंग करने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है। कटाकट सिकंजा हटा देना है और फर्मे को खोल लेना है। देख सकते हैं फर्मे में थोड़ा कीला भी मारा गया है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। देख सकते हैं इसको निकाल दिया गया और कितना बढ़िया कॉलम आया। सेकंड कॉलम की सेटिंग खुली, वो भी बहुत ही सुपर तरीके से बढ़िया आया है, देखिए कोई भी कमी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग को तैयारी करनी है इसके ऊपर, 460 की जो स्टेप थी अब उसके ऊपर 345 की स्टेप करनी है। इस तरह से टकाई जरूर कर लेना है आपको कालम के फेस में, अभी ताज़ा कालम है, करनी से ही बढ़िया से हो जा रहा है टकाई। उसके बाद घोला मार के बढ़िया से आपको ब्रिकवर्क स्टार्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ठिया लगाया जा रहा है स्टार्टिंग में और लास्ट में, और धागा बांध के बीच की ब्रिकवर्क स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं धागा बांध दिया गया है स्टार्ट से लेके लास्ट तक। एक बार में लंबा सूता पकड़ना है ताकि टेढ़ा होने का चांस कम हो, क्योंकि अक्सर दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं, तो लंबी सूता पकड़ना है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग इतना करते हुए आ गए, तो इसके ऊपर का काम एकदम ईजी से कोई भी करा लेगा, जो काम था इसके नीचे का था, ठीक है। बाकी आपको देख के वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, कोई भी कमी हो तो ज़रूर कमेंट करें, उस कमी को दूर करने का कोशिश हम करेंगे। और इस टाइप की साइट की वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लग जाता है। इस वीडियो को बनाने में हमको 3 दिन लग गया, ठीक है, ताकि हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा स्टेप दिखा सकें, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको दिखा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।